हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गीता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक DIY। तो आज का ये DIY है कुकीज़ कंटेनर। तो इस तरह से मैं घर में कभी ना कभी कुकीज़ बनाती रहती हूं और इनको रखने के लिए मुझे एक कंटेनर चाहिए था जो कि एयर टाइट हो। तो आज मैं ये कुकीज़ कंटेनर बना रही हूँ, एयर टाइट भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाया है मैंने ये कंटेनर। तो सबसे पहले ले लेंगे खाली घी का डब्बा, साथ में है जेसो और स्पॉन्ज। तो पूरे कंटेनर में जेसो को लगा लेंगे और मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से ही जेसो लगाया है। और ये स्पॉन्ज मैंने किचन में जो बर्तन धोते हैं उसी में से कट कर लिया था थोड़ा सा, और ये बहुत दिनों से चल रहा है मेरा। तो इस तरह के जो भी डब्बे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, किसी भी काम में आ सकते हैं वो। तो थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर लगा के हम लोग किसी भी काम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फेंकने के बजाय इसे कहीं ना कहीं यूज़ में लाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जेसो अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसमें कर लूँगी कलर। स्पॉन्ज की हेल्प से ही मैं यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई करूँगी। इस तरह से डैब डैब करके काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और एक समान यहाँ पे कलर लगता है। थोड़ी देर इसे सूखने के लिए रख देना है और उसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगी मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले में हार्डनर और रेजन दो तरह के आते हैं, तो अब इन दोनों को मिक्स करना होता है। डब्बा भी अच्छे से सूख गया है। अब देखिए दोनों को बराबर मात्रा में लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मेरे पास रखा है ये अल्फ़ाबेट मोल्ड। अब थोड़ा सा क्ले लेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे हम लोग जितने भी हमें अल्फ़ाबेट चाहिए। तो जब भी हम लोग इस तरह से क्ले को मोल्ड में डालें तो उससे पहले हमें पाउडर डालना होता है थोड़ा सा, ताकि जो भी अल्फ़ाबेट हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से निकल के बाहर आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा फेविकोल लेंगे और जितने भी अल्फ़ाबेट मोल्ड से निकाले थे इसे चिपका देंगे। बचे हुए क्ले का मैंने एक कुकी बना दिया है। इसे थोड़ा सा फोक से प्रेस करके इसमें डिज़ाइन बना दिया है ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। और इसमें मैंने मेटलिक गोल्डन कलर कर दिया है। तो अब कर लेते हैं वार्निश। तो वार्निश करने से ये काफ़ी अच्छे से सील हो जाएगा और ये निकलेगा नहीं। फिर नॉर्मली जब भी हम लोग एक्रेलिक कलर या फिर कोई भी कलर करते हैं तो वो निकल जाते हैं, तो वार्निश जब लगाएंगे तो इतनी मेहनत बच जाएगी और ये अच्छे से सील भी हो जाएंगे। पहले पहले मुझे थोड़ा सा डाउट होता था कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैंने बहुत सारे DIY अभी बना चुकी हूँ तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है, सेफ़ है और इतनी मेहनत हमारी बेकार नहीं जाएगी। तो अगर जो बिगिनर है ना उनको रहता ही है थोड़ा बहुत डाउट, तो आप इसे ख़रीदिए और जो भी आप कलर वगैरह करते हैं उसमें वार्निश करने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से सील हो जाएगा। तो यहाँ पे ढक्कन के ऊपर मैंने डेकोपाज पेपर का यूज़ किया था, तो अब इसे भी वार्निश कर लेंगे। तो देखिए कंप्लीट हो गया है मेरा ये कुकी कंटेनर और इसके ढक्कन के ऊपर मैंने ये डेकोपाज पेपर का यूज़ किया है और देखिए काफ़ी शाइन भी कर रहा है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं कुकीज़, तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा फील आता है जिस दिन इस तरह से DIY करती हूँ या फिर कुछ अच्छा बनाती हूँ घर के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।